दोस्तों, हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषियों और सिद्ध महात्माओं की भूमि कहा जाता है। भारत में बहुत सारे ब्राह्मण पुजारी निवास करते हैं, जिनमें से एक कथावाचक भी होते हैं। भारत में कई ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों के जरिए न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी हिंदुत्व का डंका बजा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये सभी कथावाचक कितना कमाते होंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर ये कथावाचक महीनों का कितने रुपए कमाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन कथावाचकों की कमाई के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 10, राजन जी महाराज। दोस्तों, राजन जी महाराज अपनी राम कथा और राम भजनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पूज्य राजन जी महाराज की कथा को आज के युवा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। राजन जी का कहना है कि युवाओं को रामायण एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजन जी महाराज अपनी एक कथा और भजन के लिए लाखों रुपए लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महीने में लगभग 12 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 9, स्वामी राम भद्राचार्य महाराज। दोस्तों, स्वामी राम भद्राचार्य जी का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। जब उनकी उम्र महज 2 साल की थी, तभी वो दृष्टिहीन हो गए थे क्योंकि उनकी आँखें ट्रिकोमा रोग से संक्रमित हो चुकी थी। आपको बता दें, इनका जन्म 14 जनवरी साल 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, स्वामी जी कुल 22 भाषाएं बोल सकते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वामी जी को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये हर महीने लगभग 5.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। नंबर 8, देवी चित्रलेखा जी। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं और इनकी कथा सुनाने का अंदाज बेहद ही मीठा है। चित्रलेखा जी भागवत और राम कथा का पाठ करती हैं और लाखों लोग इनके प्रवचनों को सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ में इतनी मधुरता है कि कभी कभी भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर रोने लग जाते हैं। 4 वर्ष की आयु से ही इन्होंने श्री गिरधारी बाबा नाम के एक बंगाली संत के मार्गदर्शन में गौड़ैया वैष्णववाद में शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद महज 6 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपनी पहली भागवत कथा का पाठ वृंदावन के तपोवन में किया था। आज चित्रलेखा जी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कथा वाचन करती हैं। चित्रलेखा जी ने अपनी पहली कथा उत्तर प्रदेश के बरसाने में सुनाई थी। चित्रलेखा जी की कथाओं को टेलीविजन पर कई चैनलों के जरिए टेलीकास्ट किया जाता है। साथ ही इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर महीने 10 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। नंबर 7, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। दोस्तों, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में हुआ था। आपको बता दें, श्री इंद्रेश उपाध्याय जब मात्र 13 वर्ष के थे, तभी इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने पिता के कहने पर एक कथा वाचन के साथ साथ एक भक्ति गायक भी बन गए। आज के टाइम पर इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये भक्ति गीत और कथाएं सुनाकर हर महीने 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 6, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 6 जुलाई साल 1984 को वृंदावन में हुआ था। इनकी कथाओं और प्रवचनों को आस्था और अध्यात्म जैसे धार्मिक टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाता है और इन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होने के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है। आपको बता दें कि गौरव कृष्ण शास्त्री जी ने महज 18 साल की उम्र में ही श्रीमद् भगवद गीता की पहली कथा की थी और पहली कथा के दौरान ही इन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि उनकी ये कथा लगभग 7 दिनों तक चलती रही थी। आपको बता दें कि इनका एक YouTube चैनल है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने YouTube चैनल से हर महीने 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 5, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। दोस्तों, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर साल 1978 को वृंदावन में हुआ था और ऐसा बताया जाता है कि महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपको बता दें कि श्री देवकी नंदन ठाकुर जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि हांगकांग, मलेशिया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में, तो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी एक कथा कराने का लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं
और इसके अलावा उनका एक YouTube चैनल भी है जिससे वो हर महीने 5 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 4, श्री अनिरुद्धाचार्य जी। दोस्तों, मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। आपको बता दें कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही की थी, लेकिन आज के समय में वो एक कथावाचक होने के साथ साथ एक मशहूर भक्ति गायक भी हैं, जिनके भक्ति भरे गानों को सुनने के लिए हमेशा ही लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक कथा के लिए तकरीबन 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और इसके अलावा ये अपने YouTube चैनल से हर महीने लगभग 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 3, जया किशोरी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई साल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था, और इनका असली नाम जया शर्मा है। दोस्तों, जया किशोरी जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई या खेलकूद करते हैं, उस उम्र में जया किशोरी लोगों को भगवत गीता आदि की कथाएं सुनाया करती थी। जया किशोरी एक कथावाचक के अलावा एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी हैं, जो कि अपनी मीठी आवाज में सभी भक्तों को भजन गाकर सुनाती हैं। आपको बता दें कि जया किशोरी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, और शायद यही वजह है कि जया किशोरी बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। अब अगर बात करें जया किशोरी जी की कुल कमाई के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी जी अपनी एक कथा कराने के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और अपनी इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देती हैं। नंबर 2, प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों की, और उनमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था, और ये बचपन से ही मंदिरों में श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने के बेहद शौकीन थे, और अपनी इसी काबिलियत के चलते आज ये इतने मशहूर कथावाचक बन चुके हैं, जिनकी कथाओं को सुनने के लिए केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने एक कथा कराने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे वो तकरीबन 40 लाख रुपए तक हर महीने कमाते हैं। नंबर 1, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में ना जानता हो। इनके भक्त इन्हें बागेश्वर बाबा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। वैसे तो ये रामचरितमानस और रामायण आदि की कथाएं सुनाने का शौक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दिव्य दरबार की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसे दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं जिसमें वो अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान बताते हैं। इस दिव्य दरबार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने भक्तों के बिना बताए ही उनकी समस्या जान लेते हैं और उसका उपाय एक पर्चे में लिखकर दे देते हैं। हालांकि ऐसा करने से वो कई बार विवादित बयानों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन अपनी इसी खासियत के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसिद्ध कथावाचक बन चुके हैं कि आज के समय में न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग उनके दिव्य दरबार में दर्शन करने आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी कथाएं सुनते हैं। अब दोस्तों, बात करें इनकी कमाई की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर महीने अपने YouTube से तकरीबन 20 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचक। वैसे आप इनमें से किस कथावाचक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।